एवरी वन आई एम करण मसरू वेलकम टू दिस वीडियो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वन थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ ड्यूरिंग माई कॉलेज एंड ऑल्सो एक ट्रैप के बारे में बात करने वाले हैं तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक देखना ताकि आपको उस ट्रैप के बारे में पता चलो और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप उस ट्रैप में ना फंसो बट बिफू मूविंग ऑन टू दट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दी अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाई न्यूटन स्कूल दट इज स्कूड्रस एक्स जिसमें कि टेन लैक्स तक के प्राइजे है मोर देन फाइव हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स विल बी गटिंग प्राइजेस एंड गिफ्ट आउचर्स एंड देर आर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विथ टॉप Tech companies. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. सो so, अब अगर उस एक चीज़ के बारे में बात करें दैट इज़ विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ ड्यूरिंग माय कॉलेज लाइफ तो वो ये है कि जब 2018 की बात है जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था तभी मैंने सोचा था कि कॉलेज में कम से कम एक साल की फीस मैं खुद से पे करूंगा सो एंड व्हाट हैपेंड इज़ आफ्टर माय थर्ड ईयर मुझे समर इंटर्नशिप मिल गई एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर दैन ड्यूरिंग माई फोर्थ ईयर आई वॉज वर्किंग एज अ यूट्यूब एजुकेटर विथ न्यूटन स्कूल एंड काफ़ी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स मैंने जीते थे तो उसमें से भी कुछ मनी अर्न किया था एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन दिए थे आई मेड दी क्वेश्चन तो उससे भी कुछ अन किया था सो अल्टीमेटली फाइनल ईयर की जितनी भी फीस थी चाहे एजुकेशन फी हो चाहे हॉस्टल फी हो चाहे मैथ फी हो सभी के सभी मैंने खुद से पे की थी एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट मतलब कि बाकी सारे मजे एक तरफ और अंडर ग्रेजुएट में बैचलर्स में खुद की फीस खुद से पे करने का मजा एक तरफ बट यहाँ पे एक ट्रैप भी है तो अब उसके बारे में बात करते हैं सो so, अब अगर ट्रैप की बात करें तो अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको भी ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ऑन करना है या तो फिर आपको भी कम से कम आप ये टारगेट रखते हो कि आपको भी अपने अंडर ग्रेजुएट में कम से कम एक साल की फ़ीस खुद से पे करनी है तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उस चक्कर में आप अपना लॉन्ग टर्म गोल मत खो दीजिए फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जब आप क्लास ट्वेल्व पास करके आए एंड लेटर सपोज कि आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया नाउ आपका ये लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जब आप कॉलेज से बाहर आओ तो आपके पास एक अच्छा सा प्लेसमेंट हो इन कंप्यूटर साइंस फील्ड मतलब कि लेट्स से मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सेट्रा बट पैसे अर्न करने के लिए वो अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही काम करके अर्न करना चाहते हो तो वो इंस्टेंटली तो आएंगे नहीं एक दो साल मेहनत करके मे बी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में या सेकेंड ईयर के एंड में आप अर्न करना स्टार्ट करोगे ठीक है ना तो अब शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि लेट सपोज क्लास ट्वेल्थ में आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी तो आप फर्स्ट ईयर में ही केमिस्ट्री अगर पढ़ाना स्टार्ट करो तो मे बी थ्री मंथ सिक्स मंथ डाउन दी लाइन आप ऑन करना स्टार्ट कर दो बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कॉलेज में वो कुछ पैसे चंद पैसे कमाने के लिए आप अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ना खो दो मतलब कि ऐसा ना हो कि आप लेट सपोज आप केमिस्ट्री पढ़ाना चालू किया और उससे इंस्टेंटली आपको फर्स्ट ईयर में ही पैसे मिलने चालू हो गए और उस चक्कर में वो पैसे आने लगे और उस चक्कर में आपने अपना जो लॉन्ग टर्म गोल था उसके साथ बैलेंस नहीं कर पाए उसके साथ फोकस नहीं कर पाए कंप्यूटर साइंस अच्छे से सा नहीं पढ़ पाए और पता चला कि फोर्थ ईयर आते आते आपने कुछ पैसे तो कमा लिए आपने एक दो साल की अपनी फीस भी दे दी लेकिन अभी आपके पास प्लेसमेंट नहीं है एंड उसकी प्रिपेरेशन भी आपने अच्छे से नहीं की है तो ये नहीं होना चाहिए तो क्या करना है आप अपनी फील्ड में ही वर्क करो मे बी बाई द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर आपको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम वर्क मिल जाएगा या फ्रीलैंसिंग वर्क मिल जाएगा अपने ही फील्ड में जिससे कि आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो और वो प्लेसमेंट में भी वो एक्सपीरियंस काम आएगा और अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म जो गोल है उससे अलग का कुछ करते हो लेट सपोज जैसे कि मैंने कि मैंने एग्जांपल दिया आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और उससे अर्न कर रहे हो तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आप बैलेंस बना के रखो कि बाय द टाइम यू लीव द कॉलेज आपका जो लॉन्ग टर्म गोल था वो भी आप अचीव कर लो ठीक है ना बैलेंस बना के रखना है ऐसा नहीं कि ये बहुत हैवी हो गया सो दिस वॉज द ट्रैप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग